वीडियो आप लोग हर दिन देखते हो, लेकिन ऐसी गाय कभी कभार ही सैकड़ों वीडियो में एक बार देखने को मिलती हैं जी। गगन भाई डिटेल बता दीजिए, क्या डिटेल है जिसका? भाई साहब दूसरी बार बच्चा देगी। ओके जी। और अब 20-22 लीटर पे इसको ड्राई किया है। अच्छा 20-22 लीटर पर ड्राई हुई है। क्या अंदाजा है कितना दूध दे सकती 40 है के प्लस में जाएगी जी, कितना भी चला जाए। इधर महाराष्ट्र के लिए ये परचेज होके चली है, अगर वहाँ का वातावरण इसको शूट आता है तो लगभग 50 लीटर के करीब चली जाएगी। दूसरे ब्यांत में बच्चा देना है? दूसरे ब्यांत में अभी ब्याने वाली है। बिल्कुल जी। समय कितना पड़ा जी? 20-25 दिन का भाई। 20-25 दिन। और दूध क्षमता? दूध क्षमता 40 लीटर तक नॉर्मल दूध है। अच्छा हाँ जी। और 32 का पहले ब्यांत में, दूसरे ब्यांत में है? दूसरे ब्यांत में। कब की? चार दांत में। चार दांत कब की ब्याई है? ब्याई को आज लगभग इसको 20-22 दिन हो गए। 20-22 दिन। बच्चा क्या जी साथ बताइए? पहले ब्यांत में ये। अच्छा पहले ब्यांत में। कटड़ी है अभी तो, है ना? पीछे भी कटड़ी है, साथ में भी कटड़ी। मुंह से कितने के दांत होगी? मुंह से चार दांत है। चार दांत अभी लगनी। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका अपना कुलवीर सिंह स्वागत करता हूँ जी आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हर दिन की तरह आज फिर से एक नई वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जी। और आज की वीडियो के लिए फिर से अपनी विजिट है जी प्रेमी डेयरी फार्म की। गगन भाई के घर पर आज फिर से पहुंचे हुए हैं। आज की वीडियो में ज़्यादा आप लोगों को गाय दिखाई जाएंगी। महाराष्ट्र के लिए टोटल 16 गाय यहां से सेल होकर और साथ में दो भैंसे, टोटल 18 एनिमल जा रहे हैं जी। गाय तो ऐसी हैं कि जिन्हें देख कर दिल खुश हो जाए, एक से बढ़कर एक फार्म वाली गाय है, हाथी जैसी गाय आप लोगों को दिखाएंगे। दूध की क्षमता की बात करूं, कम से कम 25 लीटर से दूध की स्टार्टिंग होगी और 50-55 लीटर तक दूध की कैपेसिटी वाली गायें जा रही हैं यहां से। और उसके अलावा सेल के लिए अवेलेबल हर बार की तरह आज फिर से 8-10 भैंसे गगन भाई के पास हैं जी। एड्रेस की बात करूं, गांव का नाम है जी राजपुरा माजरा, तहसील मंडी डबवाली, डिस्ट्रिक्ट सिरसा। हरियाणा का एरिया, पंजाब और राजस्थान का बॉर्डर बिल्कुल बगल में रह गया। गाय मात्र 5-7 मिनट पहले यहां पर पहुंची हैं। क्वालिटी देख लीजिए, टैग वगैरह लगे हुए हैं अच्छे तरीके से। नहलाने धुलाने वाली फार्म वाली गाय हमेशा रहती हैं, वैसी गाय आप लोगों को देखने को मिलेगी। आगे की बातचीत करते हैं गगन जी के साथ। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। राम राम। राम राम जी। कैसे हो गगन भाई? बहुत बढ़िया कृपा। बढ़िया चाहिए। काम काज, घर परिवार कैसे? बहुत बढ़िया। अच्छी बात है। तो गगन भाई सबसे पहले अपने भाइयों के साथ एक बार एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर दीजिए। एड्रेस विलेज राजपुरा मायरा, नियर मंडी डबवाली, जिला सिरसा, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का बॉर्डर है। कॉन्टैक्ट नंबर जी? 9466028782। सही है जी। ये व्हाट्सएप नंबर है और कॉलिंग के लिए 8190928782। 8190028782। सही है जी। गगन भाई रूटीन में वीडियो आती रहती हैं। बिल्कुल जी। आज की जो वीडियो है मेरा मानना है कि बहुत खास है। बिल्कुल। खास इस कारण है क्योंकि आज की वीडियो में जो गाय दिखाने वाले हैं जी, हाँ जी, आज तक की जितनी भी वीडियो आपके घर पे बनाई सबसे बड़ी गाय दिखाने वाले हैं। बिल्कुल। सही है जी। बिल्कुल। कितनी गाय कहाँ के लिए जा रही है? ये 16 गायें और दो भैंस जा रही है। हाँ जी। जिसमें 15 गायें HF क्रॉस की, जिसमें जर्सी भी एक, और बाकी 15 गायें HF प्योर सीमन। हाँ जी। और जो थर्ड जनरेशन का अभी चल रहा है ना, सेकंड और थर्ड जनरेशन का, बड़े बड़े फार्म का सीमन टेस्ट करके सब कुछ विद रिकॉर्ड, मदर रिकॉर्ड, आगे बच्चे का रिकॉर्ड, इस हिसाब से लिया गया। 15 गायें HF, ठीक है, और एक जर्सी है, एक साहिवाल राठी है, दो बफेलो है। सही है। टोटल 18 एनिमल कहने का मतलब जा रहे हैं। हाँ जी। 15 गाय तो एक से बढ़कर ये बोल सकता हूँ कि पंजाब की क्रीम ही जा रही है। बिल्कुल। सही है जी। हाँ जी। जैसी गाय तैयार करने में उम्रें गुजर जाती हैं। दिखा देंगे भाई साहब आपको। सही है ना जी, ये बोलने वाली बात नहीं, आगे दिखाएंगे भी। बिल्कुल जी। दूध कहाँ से कहाँ तक जाना है? दूध नॉर्मल दूध है जो पहले ब्यांत का है। इन्होंने जो भी एक साल पहले मेरे से यहाँ से मैंने फार्म से दिलवाई थी बछड़ी, जो उस समय 4 मंथ की प्रेग्नेंट थी, अभी उसका वहाँ का रिकॉर्ड 37 लीटर का चल रहा है। और इधर भी उसी फार्म का सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन के बच्चे हैं इन्होंने लिए हैं, और वो भी 30 लीटर से शुरू है और 50-55 लीटर तक की नॉर्मल गाय ली है। कम से कम 30 लीटर और ज़्यादा से ज़्यादा 50-55 जाएगा HF गायों का। ये अविश्वसनीय है। हाँ जी। जो लेकिन बंदे को जानकारी है, जो पीछे से भाई अपना लेने आया ना रमेश्वर जी, बहुत जानकारी है भाई साहब। 18 पशुओं के लिए सॉरी, आज बंदे को 10 दिन हो गए भाई। सही है भाई। अगर फिर पैसा भी अच्छा लगाया ना? बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ, दाम कहाँ से कहाँ तक गया जी? दाम लगभग हैफर लिए हमने 45-50 हज़ार से स्टार्टिंग। अच्छा। बिल्कुल ठीक है। जो प्रेगनेंसी चेक करवा के विद रिकॉर्ड लिया, और अगर बड़ी गाय का माने तो लगभग 1,70,000 तक की गाय है।
हाईएस्ट जो दाम गया 1,70,000 तक, जैसे मेरे हिसाब से ये गाय सबसे बड़ी होगी। बिल्कुल जी, 1,70,000 तक, 45,000 से। बिल्कुल, वो ऐसे है ना कि मोल भाव तो बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आगे वाले ये वीडियो में नीचे कमेंट आते हैं, भैया अगर दाम नहीं बताने तो वीडियो डालने का फायदा नहीं है। सही है। तो इसमें अगर किसी को ऐसा पशु परचेज करना है तो वो भी कॉल कर सकता है, कुछ कम वाले भी होते हैं भाई, ज़्यादा तो नॉर्मल डिमांड रहती है 80-90-1 लाख के अंदर तक, लेकिन जो जानकारी वाला है ना, जो जैसे कह सकता है कि मैंने भाई 3 गाय नहीं लेनी, मैंने तो 1 गाय लेनी है, मैं 3 को भी वही डालूंगा और 1 को भी वही डालूंगा, केयर के लिए आदमी ज़्यादा रखूंगा या फिर दूध ज़्यादा लूंगा 1 से, ये कुछ तालमेल बना के जो आगे का प्रोसेस है उन्होंने सब कुछ देख के लिए भाई। ओके जी, और भैंसें कितनी सेल के लिए रहेंगी, कितना दूध और कितना दाम? भैंसों का तो भाई काउंटिंग तो नहीं किया मैंने, लगभग 15-16 मेरे पास बिक्री के लिए खड़ी है, जो इनके पास जा रही है वो 2-3 है, और गायें उसके अलावा अपने फार्म पे बिक्री के लिए भी है। अभी क्योंकि वो चल रहे थे, जो श्राद्ध चल रहे थे, श्राद्ध चल रहे थे, हिंदू लोग बहुत बुरा मानते हैं, तो इसके बाद आगे बिक्री का कर है, आज इनकी लोडिंग है, कल फिर एक आगे नई लोडिंग कस्टमर के लिए आगे है जी। तो भाई फिर एक एक करके पशु चलाते हैं, साथ में बातचीत करते जाएंगे। हाँ जी, थोड़ा आज देरी से आपके पास पहुंचा हूं, माल भी अभी पहुंचा, हम भी क्षमा चाहते हैं, आने के बाद भी देरी होगी थोड़ा, पशु अभी आए हैं वो दिखाने का। चलो कोई बात नहीं भाई, पशु चलाते हैं साथ में। बिल्कुल। हाँ जी दोस्तों, बातचीत काफी हो गई जी, इसे आगे एक एक करके गाय आप लोगों को चलाकर दिखाएंगे। पहले नंबर पर ये HF ब्रीड का हीरा आ गया आप लोगों के सामने, एक बार अडर की फिटिंग देख लीजिए, ब्रीड क्वालिटी देख लीजिए, कद काठ देख लीजिए, गाय का रंग रूप देख लीजिए। गगन जी क्या डिटेल है भाई इसकी? भाई साहब दूसरे ब्यांत में इसने बच्चा देना है, दूसरे ब्यांत में ब्याने वाली है अभी। बिल्कुल। कितना समय पड़ा भाई? समय पड़ा भी 6-7 दिन का। 6-7 दिन, थोड़ा चलने फिरने में दिक्कत नई जगह पर आकर ये हो ही जाती है ना। हाँ जी, हाँ जी। और दूध क्षमता कितने का वाली है भाई? भाई साहब फर्स्ट में 27 और 28 लीटर का पीक लेवल पे रहा है इसका, 27-28 तक दिया पहले बार में। 35-35 लीटर तक नॉर्मल दूध दे देगी जी। 35 लीटर तक। हाँ जी। और भाई दाम कितने का वाली है जी? दाम 1,30,000 भाई। 1,30 की दी गई है दोस्तों, एक बार रंग रूप देख लीजिए, बॉडी की फिटिंग देख लीजिए, और खास तौर पर अडर आप लोगों को करीब से दिखा देता हूँ, कितना का शानदार है अडर के ऊपर वेंस कितनी की परफेक्ट है, 1,30 में दी गई है। ऐसी गाय और खरीदना चाहते हो तो मिल जाएंगी गगन भाई? बिल्कुल भाई मिल जाएगी, कोई दिक्कत परेशानी बात नहीं। ना ऐसी कोई दिक्कत नहीं, जैसा कोई परचेज करना चाहे वैसा भी पशु मिल जाएगा, गाय ले लो भैंस ले लो भाई। सही है जी। ओके ले आइए भाई, बांधिए, इसे आगे दूसरी गाय लेकर आइए, इसे आगे दूसरे नंबर पर दोस्तों गाय एक और आ गई आप लोगों के सामने। कद वजन इसका भी मेरे हिसाब से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, कैमरे में आप लोगों को अंदाजा आ गया होगा कि कितना का ऊंचा हाइट है, कितनी ऊंची हाइट है इसकी, बॉडी स्ट्रक्चर कितना का अच्छा है, और प्रेग्नेंट गाय है अभी। गगन जी डिटेल बता दीजिए भाई। भाई साहब दूसरे ब्यांत में बच्चा देना है, दूसरे ब्यांत में अभी ब्याने वाली है। बिल्कुल जी। समय कितना पड़ा जी? 20-25 दिन का भाई। 20-25 दिन। और दूध क्षमता? दूध क्षमता 40 लीटर तक नॉर्मल दूध है। अच्छा। हाँ जी। और 32 का पहले ब्यांत में रहा है जी इसका, पहले बार में दे दिया 32 लीटर तक। हाँ जी। और इस बार 40+। बिल्कुल जी। अडर अभी तो बिल्कुल ही खाली पड़ा हुआ है ना जी? बिल्कुल भाई। ये देखिए। और भाई दाम कितने वाली है जी ये? दाम 1,08,000 की भाई। 1,08,000 की। बिल्कुल। जैसे आप बता रहे थे कि सभी गायों का लगभग सभी गायों का साथ में रिकॉर्ड है। बिल्कुल जी बिल्कुल जी। डेनमार्क लगभग 40-116 के सीमेंट के सभी जो। अच्छा। डेनमार्क 40-116 की। हाँ जी। एक ही फार्म की है विद रिकॉर्ड के साथ जी। ओके। दाम कितना बता रहे थे? 1,08,000। ओके जी ले आइए भाई, बांधिए, इसे आगे गाय तीसरी लेकर आइए। कॉन्टेक्ट नंबर दोस्तों स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं, जो भी भाई बातचीत करना चाहता आप लोग बातचीत कर सकते। इसे आगे तीसरे नंबर पर दोस्तों गाय एक और आ गई जी आप लोगों के सामने, क्वालिटी देख लीजिए, बॉडी स्ट्रक्चर देख लीजिए, और खास तौर पर गाय की अडर की फिटिंग देखिए कितनी की शानदार है, बॉडी स्ट्रक्चर रंग रूप प्यारा है। गगन भाई क्या डिटेल है जी? भाई साहब पहले बार में बच्चा देना है इसने, और अदंत है अभी, मुँह से खीरी है दूध के दांत। बिल्कुल जी। और समय कितना का पड़ा भाई? समय 20-25 दिन का। 20-25 दिन भाई, उधर ही चलाइए थोड़ा पीछे। और दूध का क्या अंदाजा है गगन भाई से? दूध इसका पहली बार में 30 लीटर के प्लस में जाने वाला भाई, पहले बार में 30+। हाँ जी। और दाम कितने का वाली है जी? दाम भैया 1,90,000 की दी है। 89,000 की दी गई है। सही है जी। बिल्कुल। एक ही जगह से आई है ये अलग अलग आई है भाई, क्योंकि ज्यादातर गाय जो देखने में फार्म वाली लग रही है मेरे को। बस ये 10 और 15 किलोमीटर के एरिया के बीच में है। अच्छा। और
ज़्यादातर वहाँ यहाँ पे एबीएस और ये जो आकाशदीप का सीमेंट है ना, हाँ जी, उस क्षेत्र में, फाजिलका के क्षेत्र में यही लगा हुआ सभी गाय का। ओके। और ये साथ साथ के एरिए के लगभग 10 और 15 किलोमीटर के एरिए के बीच में फार्म की गाय। ओके जी, ले आइए भाई, बांधिए चौथी गाय, इससे आगे ले आइए, इससे आगे दोस्तों। ये चौथे नंबर पर एक और बहुत शानदार बछड़ी आप लोगों के सामने आ गई जी। एक बार क्वालिटी देख लीजिए बछड़ी की, कद काठ देख लीजिए, खास तौर पर फेस क्वालिटी देखिए कितनी सुपर है भाई। घुमाते रहिए गगन जी, क्या डिटेल है जी? भाई साहब ये भी पहले ब्यांत में बच्चा देने के लिए 8 मंथ की प्रेगनेंसी, 8 महीने की गैप बिना, ये भी पहले बार बहने के लिए। और इसका क्या रिकॉर्ड है भाई? ये आगे आकाशदीप के सेक्सड सीमेंट से प्रेग्नेंट है भाई। अच्छा, आगे इसके भी सेक्सड सीमेंट ही लगा हुआ। हाँ, खुद एबीएस की है जी ये। और ये जो अभी दिक्कत सामने आ रही है ना फार्म वाली गायों में, ये दिक्कत हमेशा रहती ही रहती है। बिल्कुल, मोरा डाल दिया जब जाता है तो इन गायों को चलना नहीं आता। बिल्कुल भाई, घुमा ले इधर को, घुमा ले अच्छे तरीके से। और गगन भाई, पहले बार में कितना दूध मानते हो दे देगी? भाई साहब जो रिकॉर्ड के हिसाब से ली है इन्होंने, इनके पास पहले फार्म में 20 और 25 लीटर वाली है, अभी इन्होंने 30 के प्लस में, जो इनका अनुभव है ना उनके आधार पे 30 के प्लस में, और वो फार्म का रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है भाई साहब जिन्होंने। ओके, वहाँ से पूरी डिटेल लेके बाद में इन्होंने ये परचेज किया। और दाम कितने वाली है जी? दाम जो 1,10,000 की, 1,10,000 की दी गई है। ये लंबे समय के लिए चलने वाली बछड़ी बोल सकता हूं। बिल्कुल, बार बार आने की दिक्कत नहीं रहेगी भाई साहब। हाँ। अगर टिक गई वहां जाने के बाद तो बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला इसका। सही है, ले आइए जी, बांधिए। इससे आगे पांचवें नंबर पर दोस्तों गाय एक और आ गई जी आप लोगों के सामने। पहले हाइट वेट और लेंथ देख लीजिए कितनी की शानदार है, कितनी की जानदार ये गाय है। वीडियो आप लोग हर दिन देखते हो लेकिन ऐसी गाय कभी कभार ही सैकड़ों वीडियो में एक बार देखने को मिलती हैं जी। गगन भाई डिटेल बता दीजिए, क्या डिटेल है जिसका? भाई साहब दूसरी बार बच्चा देगी। ओके जी, और अब 20-22 लीटर पे इसको ड्राई किया है। अच्छा, 20-22 लीटर पे ड्राई हुई। बिल्कुल, है बिल्कुल, पहले ब्यांत का 35 लीटर का रिकॉर्ड है, विद रिकॉर्ड 35 लीटर तक। बिल्कुल जी, बोलने वाला नहीं है। अच्छा, खुद एबीएस की है ये, एबीएस की। आगे इसको आकाशदीप का 66 सीमन लगा हुआ है। ओके, और गगन भाई इस बार दूध का क्या अंदाजा है, कितना दूध दे सकती 40 है के प्लस में जाएगी जी, कितना भी चला जाए। इधर महाराष्ट्र के लिए ये परचेज होके चली है, अगर वहाँ का वातावरण इसको शूट आता है तो लगभग 50 लीटर के करीब चली जाएगी। सही है, तो नॉर्मल दूध है इसका जो 40 लीटर के करीब तक रहेगा ये भी। 40 लीटर तक नॉर्मल दूध रहेगा दोस्तों। अगर अपने पंजाब में रहती है तो मेरे हिसाब से 50 प्लस जाने वाली ये गाय है। बिल्कुल सही बात है गगन भाई। बिल्कुल, और दाम कितने की वाली है जी? दाम ये 1,70,000 की दी है। 1,70,000 की दी गई है। गगन भाई एक बार अगर घूमती है तो थोड़ा सा दूसरी तरफ घुमा दीजिए, थोड़ा सा दिक्कत मानती है, चलने फिरने में ये थोड़ा सा रहता ही रहता है। बिल्कुल, क्योंकि फार्म वाली गाय है, नॉर्मल क्या है कि रस्सा इन्हें नहीं डाला जाता, ये एक बड़ा रीजन रह जाता है ना जी। ओके, ले आइए जी, बांधिए। इसे आगे छठे नंबर पर जी एक और गाय ले आइए। इसे आगे छठे नंबर पर दोस्तों एक और गाय आप लोगों के सामने आ गई जी। रंग रूप इसका भी ब्रीड देख लीजिए। गगन जी डिटेल बता दीजिए भाई। भाई साहब इसने तीसरी बार बच्चा देना है, तीसरे बार में, और अभी 8.5 मंथ की प्रेगनेंसी में चल रही है जी। 15 से 20 दिन कहने का मतलब नॉर्मली इसके पड़े हुए हैं। नहीं, 15 आप 1 मंथ के प्लस में मान के चलो, अभी 8वां स्टार्टिंग हुआ है। अच्छा, 8वां स्टार्टिंग है अभी। बिल्कुल जी। ओके, और गगन भाई दूध इस बार कितना का मानते हो भाई? ये सब तीसरी बार बच्चा देगी, दांत में 6 है, दूध 40 प्लस वाली है। हाँ, जो सैंकड़ का रहा है वो 35-36-37 लीटर तक इसका रहा है जी, बहुत। ओके, और दाम कितने वाली है भाई? दाम जी 1,18,000 के लिए। 1,18,000 की दोस्तों ये गाय है, महाराष्ट्र के लिए जो जा रही है। ले आइए भाई, बांधिए, एक और ले आइए। इसे आगे सातवें नंबर पर दोस्तों एक और बहुत शानदार गाय आप लोगों के सामने आ गई जी। एक बार बॉडी स्ट्रक्चर और हाइट लेंथ देख लीजिए गाय की, मेरे हिसाब से अभी बिल्कुल ताजी ब्याई है। गगन जी क्या डिटेल है जी? भाई साहब दूसरी बार बच्चा दिया है इसने, दूसरे बार में। हाँ जी। कितना समय हो गया ब्याई को? ब्याई को भी आधा घंटा हुआ, 15 आधा घंटा अभी जेर गिरानी बाकी है। हाँ ना जी, हाँ जी। भाई हाइट लेंथ इसकी भी बहुत शानदार है, और रही बात अडर की, वो तो इतनी की फिटिंग वाला है कि मैस्टाइटिस तो मेरे हिसाब से इसके पास में जो गाय रुकेगी ना उसको भी नहीं आएगी। बिल्कुल जी। कितना दूध दे देगी भाई? दूध नॉर्मल दूध दे देगी, 40-42 लीटर, 40 प्लस तक का। हाँ जी। और दाम कितने की वाली है जी? दाम जी 1,31,000 की लिए। 1,31,000 की दी गई है, 1,31,000 की दी गई है दोस्तों। जो गाय आप ऑनलाइन स्क्रीन आप लोग सामने देख रहे हो, 40 प्लस दूध। और गगन जी बच्चा क्या दिया भाई इसने? मेल काफ है भाई, मेल काफ बछड़ा दे दिया है ना। हाँ जी। ओके, ले आइए भाई, बांधिए। इससे आगे एक और ले आइए जी। इससे आगे दोस्तों ये एक और जोटी आप लोगों के सामने आ गई, जो इन गायों के साथ महाराष्ट्र के लिए जा रही है।
ब्रीड देख लीजिए एक बार, फेस क्वालिटी देख लीजिए, रंग रूप देख लीजिए। गगन भाई क्या डिटेल है जिसकी बताइए? वैसे पहले ब्यांत में ये। अच्छा पहले ब्यांत में कटड़ी है अभी तो, है ना? पीछे भी कटड़ी है, साथ में भी कटड़ी। मुंह से कितने के दांत होगी? मुंह से चार दांत है। चार दांत अभी लग नहीं रही, मेरे को तो यही मानना था कि दो दांत ही होगी अभी, है ना? चार दांत। और दूध कितना दे देगी? दूध निकालने वाला 8.5-8.5 लीटर है। ओके। आगे भी 10 भी दे सकती है, 11 भी दे सकती है, नॉर्मल 8 लीटर है। आगे ब्रीड के लिए इन्होंने लिया। ओके सही है, लंबे समय तक चलेगी, ब्रीड अच्छी है, दूसरे तीसरे ब्यांत में दूध भी बढ़िया दे देगी। बिल्कुल। और दाम इसका 80,000 रुपए 80,000 में दी गई है। हाँ जी सही है, बिल्कुल। ओके जी ले आइए भाई, बांधिए इससे आगे एक और ले आइए। इससे आगे दोस्तों दूसरी जोटी आप लोगों के सामने आ गई जी। एक बार ब्रीड क्वालिटी इसकी भी देख लीजिए, फेस क्वालिटी देख लीजिए, दिखती है कि ब्रीड है ये हरियाणा की। गगन भाई क्या डिटेल है जी? भाई सब दूसरे ब्यांत में है। दूसरे ब्यांत में कब की? चार दांत में। चार दांत कब की ब्याई है? ब्याई को आज लगभग इसको 20 और 22 दिन हो गए। 20-22 दिन। बच्चा क्या जी साथ में? इसका मेल काफ है जी, कटड़ा है जी। हाँ जी। और दूध कितने का वाली है भाई? दूध निकालने वाला 12.5 लीटर है भाई। 12.5 लीटर। हाँ जी। बढ़ेगी और कुछ ना कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, अभी स्टाफ नहीं किया। अच्छा वो कल दवा रखवा दी थी हमने। कितना दे देगी पीक लेवल? नॉर्मल दूध 15-16 लीटर दे देगी भाई साहब। निकालने वाला 12-12.5-13 लीटर के करीब है। और दाम कितने के वाली है? दाम 1,25,000 रुपए। ये सेल के लिए अवेलेबल है भाई? 1,25,000 में सेल के लिए अवेलेबल है दोस्तों ये जोटी जो आप लोगों ऑन स्क्रीन सामने देख रहे हो। ले आइए जी बांधिए। इसे आगे तीसरे नंबर पर दोस्तों एक और सेल के लिए अवेलेबल भैंस आप लोगों के सामने आ गई जी। क्वालिटी देख लीजिए। गगन भाई क्या डिटेल है जी बता दी? वैसे दूसरी बार बच्चा देना है इसने। दूसरे बार? हाँ। अभी कितना का समय पड़ा है जी? 5-4 दिन ले जाएगी। 5-4 दिन। और दूध क्षमता? दूध क्षमता नॉर्मल 13-13.5-14 लीटर तक। ओके। और सेल के लिए अवेलेबल है? बिल्कुल भाई कुलवीर। क्या दाम रखा गया जी इसका? इसका 1,40,000 रुपये। 1,40,000 दाम है दोस्तों। दूसरे ब्यांत में अभी प्रेग्नेंट है। दूध गगन भाई कितना दे देगी? 13-13.5-14 लीटर के करीब दे देगी भी जो निकालने वाला रहे। बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस भाई से आई है उन्होंने तो भाई साहब पहले ब्यांत के 13 लीटर बता रखा है। अच्छा भाई कुलवीर 13 लीटर भी बहुत हो जाता है। अगर नॉर्मल दूध माले 13-14 लीटर बहुत है, दूसरी बार भी दे दे भैंस तो मन को शांति सी मिल जाती भाई। सही है जी, दाम रखा गया 1,40,000। ओके ले आइए भाई बांधिए। इससे आगे एक और ले आइए। नमस्कार जी। नमस्कार भाई, कैसे हो भाई? ठीक हो भाई? बढ़िया। क्या शुभ नाम है जी अपना? रामेश्वर आगरडे। ओके दोस्तों भाई को हिंदी थोड़ी कम आती है, 2-3 बार इससे पहले कट हो गया वीडियो में, भाई हिंदी बोलते बोलते भूल जाते हैं, तो मराठी में अपनी बातचीत करेंगे। तो भाई मराठी में अपना एक्सपीरियंस, गगन जी के पास कब आए, कितने दिन से इधर हो, कहाँ कहाँ घूम कर आए, कैसी कैसी गाय आपने खरीदी, वो मराठी में शेयर कर दी। ठीक है सर। मलयाला आज 10 दिवस झाले मी डबवाली मंडी असे बरेच मंडीमध्ये फिरलो आहे, आणि सगळ्यात जास्त सांगायचं म्हटलं नंतर की व्यवहार झाकून व्यवहार इथं झालेला नाही आहे। फॅमिलीसारखं घरात जेवायला, फॅमिलीसोबत झोपायला जेवायला ही सुविधा पण आहे। त्याच्यानंतर फिरण्याचे जे पैसे चार्जेस लागतात ते पण यांच्याकडे नाही आहे। परत त्यानंतर टॉप क्वालिटीचा मी ब्रीड घेतलं आहे, ABS ट्रॅकर, त्याच्यानंतर ABS 4/40/116, त्याच्यानंतर बुलची कॅपॅसिटी 50, मदर कॅपॅसिटी 60 लिटर, आणि सगळ्यात मोठ्या फार्मवरती आम्ही जाऊन आलेलो आहे गगन भाई साहेब, RK डेअरी फार्म टॉप पंजाब। त्याच्यानंतर गगन भाईने योग्य रेटमध्ये चांगली क्वालिटी हीसुद्धा मिळालेली मला, आणि जे पण मला जे काय मिळालं एवढं 10 दिवसामध्ये ते खूप काही दिलं आहे। त्याच्यामध्ये मी पहिले सगळ्यात पहिले कर्नालमध्ये जाऊन आलो, कर्नालमध्ये मला फोनवर सांगितलं गेलं 1,20,000 भेटेल, त्यानंतर ती गाय 2,40,000 तिथे तिचे रेट 2,040 झाले। नंतर गगन भाईला मला कॉन्टॅक्ट झाला, आमच्या महाराष्ट्रातले एका माणसानी निक्कमनी कॉन्टॅक्ट दिल्याच्यानंतर आम्ही गगन भाईला भेटलो। गगन भाईला भेटल्याच्यानंतर जो रेट गगन भाईने कॉलिंगवर सांगितला होता त्या रेटपेक्षाही कमी रेटमध्ये इथे मला चांगली टॉप ब्रीड घेतली मी, टॉप 60 कॅपॅसिटी 60 लिटर 32 लिटर अशी क्वालिटी मला भेटली। ठीक आहे ओके। जो नए भाई आना चाहते गगन जी के पास, चंद शब्द उन्हें क्या बोलना चाहोगे? शब्द में बोलना चाहता हूँ जो भी महाराष्ट्र से आते हैं लोग,
वो सिर्फ गगन भाई के पास आ जाओ। सब नाम है प्रेमी डेयरी फार्म डबवाली। ओके जी, धन्यवाद, अच्छा लगा बातचीत करके। गगन जी माइक पकड़िए, भाई का हाथ थोड़ा माइक कैमरे के सामने बोलने में तो तंग ही है भाई, है ना? बिल्कुल मिक्स हो जाए जी। चलो कोई बात नहीं, प्रॉब्लम रहा हो जाता है, तो मेरे को भी सिखा दिया। अच्छा, कैसे क्या करना। 10-12 दिन हो गए इन्हें इधर आए, इतने दिन में सीख जाता है। 10 दिन बोल रहा है लेकिन आज इसको 16वां दिन है। 16 दिन, 15 से 16 दिन हो गए इसको, आधा महीना हो गया। और रहने का जो आप इन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया ना, उसी हिसाब से जो हिंदी में यही अनुभव जो किया इन्होंने विद रिकॉर्ड के साथ, भाई साहब ऐसा नहीं है कहीं भी गए गाय पकड़ ली। अभी मेरे पास आए को 15-16 दिन हो गए और हमने परचेजिंग शुरू किया 5-6 दिन बाद। और ये हमने जो 15-16 गाय और 2 भैंस 15-16 गाय ली है विद रिकॉर्ड के साथ लिया है, और अच्छे से अच्छा सीमन लगा हुआ है। हमने कोई 1-2 फार्म नहीं देखा, मंडी देखी बड़ी मंडी और बड़े बड़े फार्म देखे, रिकॉर्ड के साथ लिया। हम भी ऐसे ही चाहते हैं कि जो अगर आप क्वालिटी में समझौता नहीं करते, पैसे लगाने में समझौता नहीं करते, तो हमारा भी कुछ ना कुछ फर्ज बनता है, चाहे आपका 1 दिन लगे चाहे 10 दिन लगे। पशु इतना बढ़िया लेके जाओ कि आने वाले जो अगर लंबे समय के लिए बार बार जो ट्रांसपोर्ट की दिक्कत आती है, आदमी आ नहीं सकता, तो इन चीज़ों से छुटकारा मिल जाए भाई। सही बात है, ठीक है गगन भाई। जैसे हम लोगों ने देखा 1,70,000 तक दाम की गाय हम लोगों ने दिखाई है, अगर इतना पैसा आदमी इन्वेस्ट कर रहे हैं, टोटल 17 पशु जा रहे हैं, 17-18 पशु जा रहे हैं, पैसे इन्वेस्ट किए हैं, तो समय लगाना चाहिए, मेहनत की कमाई लगा रहे हैं जब, तो समय निकालना चाहिए। मेरे हिसाब से ये सबसे बढ़िया है। कुलवीर भाई इसमें ऐसा भी है, अपने पास इतने इतने दाम की गायें बहुत कम आती है। मैं वीडियो देखता रहता हूँ लुधियाना की, करनाल की, उनके पास नॉर्मल देते 3 लाख की जोड़ी, 3,40,000 की जोड़ी, जैसे जे लुधियाना का ज़्यादातर माल जा रहा है। लेकिन मैंने तो इसको यही बोला था, लेकिन भाई साहब को जानकारी इतनी है कि नॉर्मल दूध की वहाँ इसके पास खुद के पास 40 लीटर की गायें हैं। ऑफ कैमरा अभी भाई के साथ मेरी बात हुई, बोला कि 5 गाय घर पर हैं और ज्यादा से ज्यादा पीक लेवल की है जो 45 लीटर दूध निकालने वाली गाय है। तो जानकारी के आधार पर इन्होंने माल परचेज किया। हर आदमी के लिए ऐसा करना असंभव है भाई साहब, बिना जानकारी के आदमी फंस जाता है कहीं ना किसी बात पे, और हर आदमी रिकॉर्ड नहीं दिखा पाता। सही है। और ये जानकारी लेना और आगे देना बड़ी मुश्किल बात है भाई साहब। ओके जी, अंत में एड्रेस और फोन नंबर। एड्रेस विलेज राजपुरा मायरा नियर मंडी डबवाली, जिला सिरसा हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का बिल्कुल बॉर्डर है जी। 9466028782 व्हाट्सएप नंबर है, 8190928782, ये कॉलिंग के लिए भाई साहब।